वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस दूसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे पार्ट में आते हैं और स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत आईएमपी टॉपिक है इसका, और वो है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबसे ज़्यादा ज़रूरी आईएमपी टॉपिक है पूरे इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो ओम्स भैया ने कुछ लॉ दिए थे जो हम पढ़ लेते हैं। देखो अभी तक हमने दो चीज़ें प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, एक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में ये कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। V is directly proportional to I, ये लिखा है। मतलब अब ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होता है, सुनिएगा जरा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसके एंड पे, सर्किट के एंड पे क्या होगा, जनरेट होगा। मतलब जितना ये, अगर ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज, मतलब साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे तो पीछे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे, मतलब जो भी है। तो सीधी सी बात यह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना कम करेंगे उतना ही कम होगा। ये ओम ने कहा था, क्या कहा था ओम भैया ने, ये कहा था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जितना सर्किट से करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा उसके एंड पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आर, अब ये आर होता है क्या है, अब यहाँ से स्टोरी चालू हुई मेन चीज़, जो ओम्स लॉ का जो मेन फॉर्मूला क्या होगा, वी इक्वल्स टू आई आर। तब आप इसको रट लीजिए बिल्कुल, वी इक्वल्स टू आई आर, वी फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, आर फॉर रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस एक्चुअल में होता है क्या है, रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस हिंदी में कहें रेसिस्टेंस को रुकावट डालने वाला, रोकने वाला, रुकावट डालने वाला। तो रेसिस्टेंस वो होता है जो दो जो करंट के फ्लो में क्या होता है, रुकावट जनरेट करता है, रुकावट डालता है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ द करंट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द करंट, करंट के फ्लो में रुकावट डालना इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब सीधी सी बात यह है कि जैसे आप जो पावर हाउस होता है वहाँ से यहाँ आता है अपना करंट, अपने घरों तक आता है, जो उनने जितना दिया है वहाँ इतना थोड़ा ना आएगा, कुछ रेसिस्टेंस की वजह से कुछ 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 रुक जाता है। अब एल्युमिनियम का वायर क्या होता है, एल्युमिनियम के वायर में रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आपका करंट मतलब प्रोबेबली देखा जाए तो ठीक ठाक आता है। अगर जैसे मान लीजिए आप और दूसरे वायर लेंगे तो उनमें हो सकता है कि कम आए। जीरो रेसिस्टेंस आपका गोल्ड और सिल्वर का होता है, तो लेकिन आप पूरे इस पे घरों के बाहर मतलब गोल्ड के वायर थोड़े ना लगा सकते हैं, इतना गोल्ड है ही नहीं हमारे पास, ना ही हम सिल्वर का लगा सकते हैं। पता चल रहा है लाइट कट करने के चक्कर में लोग वायर ही चुरा ले गए। चलो तो यहाँ देखते हैं हम रेसिस्टेंस पे। तो रेसिस्टेंस तो जनरली क्या होता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है अपनी अपनी, तो हम देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर, वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है। इसको इस तरीके से थोड़ा जो 2D का ऑक्टोपस होता है ना, 2D में हम ऑक्टोपस बनाएंगे, वैसा इसका सिग्नेचर साइन होता है ओम। इसकी यूनिट भी ओम, ओम भैया ने साइन लॉ दिया था इसलिए इसकी यूनिट भी क्या रख दी, ओम, ठीक है। वैसे हम देखना चाहेंगे तो क्या, अगर हम वैसे देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन ये इतना फेमस नहीं जितना कि ओम, ओम इज अ राइट। तो ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस के पूरा खेल हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया, तब हम रेसिस्टेंस पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा रेसिस्टेंस की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है आगे, समझनी है। रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस के कहता है कि राइट द फैक्टर्स विच डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, जो फैक्टर्स के हमें नाम बताने हैं जिस पे रेसिस्टेंस क्या करता है और डिपेंड करता है। देयर आर टू थिंग्स, वैसे तो चार पाँच है लेकिन मैं आपको दो चीज़ें जो ज़रूरी वाली बताने जा रहा हूँ, वैसे चार चीज़ों का बताऊँगा लेकिन दो मैन है जिससे हमें बहुत एक डेरिवेशन बनेगा, इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो आपका लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, वायर का जो लेंथ है, कंडक्टर का जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि इसका लेंथ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस, अगर हमें जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और थिकनेस। ऑब्वियसली बात है जो कंडक्टर अगर मैं उसको फोल्ड कर दूंगा तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। मीन्स ये कि द रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कि जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाएंगे कंडक्टर का, रेसिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा।
फिर इसके बाद होता है थर्ड टॉपिक, हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ कंडक्टर, उसका नेचर कैसा। अगर उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फिर उसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, या फिर उसका नेचर जैसा भी हो, नेचर समझते हैं कि रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट कर लेगा नहीं करेगा, तो वो भी होता है एक। अगर सपोज करो कि कंडक्टर जो होते हैं करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, उसका रेसिस्टेंस कम होगा। अगर आप जो इंसुलेटर्स लेंगे तो उनका ऑब्वियसली बात उनका रेसिस्टेशन जो रेसिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, जैसे कि उनमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट जब फ्लो ही नहीं होगा तो रेसिस्टेंस ही हुआ। करंट क्या करता है, रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को ही रोकता है। तो इंसुलेटर्स का जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, दैट्स वाई वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, तो वहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये दो चीज़ें मैंने जो आपको बताई है थोड़ी मैंने इसलिए बताई हैं, इन दोनों का मैं कंबाइन कर दूँ तो जाएगा एल अपोन ए। तो जैसे यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड आएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे एक कांस्टेंट, जैसे मैं रो बोलते हैं, आर एच ओ रो, क्या बोलते हैं इसको रो, ये रेसिस्टिविटी कहलाता है, क्या कहलाता है ये रेसिस्टिविटी। तो ये रो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है, क्या कहलाता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, और मैं उसको इधर ले जाऊँ तो आर इंटू ए अपॉन में एल इक्वल्स टू रो, तो ये रो का फॉर्मूला, रो मतलब स्पेस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर, देखो मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो आर इंटू ए अपॉन में एल, तो इसका यूनिट ड्राइव कर लें, आर की यूनिट क्या होगी ओम, एरिया होगा आपका मीटर स्क्वायर, लेंथ भी मीटर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो जो रेसिस्टिविटी होती है उसकी जो यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी, क्या होगी ओम मीटर। तो बेसिकली रेसिस्टिविटी क्या होगा, इज आर इंटू ए अपॉन एल, आर रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़े आते हैं, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो अब आते हैं आगे रेसिस्टेंस में, ही आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, फर्स्ट इज सीरीज, सीरीज में जो एक ही तरह से जुड़े रहें, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो, ये रेसिस्टेंस को शो करने का साइन होता है। सेकेंड इज पैरलर कॉम्बिनेशन, पैरलर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे क्या करते हैं हम, जितने भी रेसिस्टेंस हमें कनेक्ट करने होते हैं हम सभी को जोड़ देते हैं, ये आपका पैरेलल हो जाएगा एक पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ एक ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है तो यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम ऑब्वियसली बात है सर्किट पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे की लगा दो, यहाँ पे सेल लगा देंगे हम। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों को मैं अलग अलग तरीके से बताना चाहूँगा, तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब देखिएगा पेपर में दो कॉम्बिनेशन भी पूछ सकते हैं, तीन भी पूछ सकते हैं, चार भी, लेकिन देखो जनरली तीन पूछते हैं, दो पूछ सकते हैं या तीन, तो मैं तीन वाला बता दे रहा हूँ। तीन जैसे क्या हो जाएगा, तीन में तीन एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट, जैसे ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये कनेक्ट है, बस यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे एक सर्किट में, यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ बैटरी सेल और यहाँ पे एक की लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ इसको चालू करें करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा। सपोज ये R1 है, ये R2 और ये आपका R3 है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, पेपर में ये आ सकता है कि आपसे कह दें कि अगर कोई भी रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो रिजल्टेंट या टोटल रेसिस्टेंस आप बताइए, तो हम उसके लिए किस तरीके से बताएंगे मैं आपको बताता हूँ, ये डेरिवेशन है। तो यहाँ पे जैसे हम करंट फ्लो करेंगे, जो आपका करंट रहेगा वो आपका वही का वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, आर1 के लिए वी1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो चेंज होता है, आपका करंट जैसा रहता है वैसा ही रहता है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अपन को टोटल निकालना है, सपोज करो कि इसका टोटल पोटेंशियल जो है मैंने V मान लिया, टोटल पोटेंशियल क्या मान लिया V, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो चेंज होता है उसको हम टोटल लिख देते हैं, V इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मेरे को V1 की वैल्यू चाहिए, तो आप ओम्स लॉ को भूल गए होंगे, शायद नहीं भूले होंगे तो चलो कोई बात नहीं है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता, तो ऑब्वियस ही बात है तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर1, देखो I चेंज नहीं होगा, V1 और R चेंज होगा, तो ये V2 क्या हो जाएगा आपका, आई आर2 हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा, आई आर3, और V क्या हो जाएगा, आई आर लिखा हुआ है बाकायदा। तो इन तीनों की जो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हो जाएगी आई आर वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर, अरे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी आई आर
आई आर, और इसकी वी वन की वैल्यू कितनी है, आई आर वन, ये आई आर टू और ये आई आर थ्री, सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दैट मीन्स ये है कि अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी रेसिस्टेंस कनेक्ट है तो सभी को ऐड कर दो तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे सपोज करो कि दो रेसिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू, जैसे कि दो रेसिस्टेंस है 6 और 4, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, 6 ओम और 4 ओम सीरीज में कनेक्ट है, आपसे कहा कि टोटल रेसिस्टेंस निकालो तो क्या होना चाहिए, टोटल रेसिस्टेंस वही आपका 6 प्लस 4 तो टोटल 10 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 10 ओम। आपसे बोला कि जैसे 6, 4, 2 और 10, ये चार रेसिस्टेंस हैं, ये चार रेसिस्टेंस हैं जो आपस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, टोटल रेसिस्टेंस बताओ, क्या करेंगे सभी का एडिशन, फॉर्मूला ही है 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 10, तो 10 10 20 22 ओम, कितना हो जाएगा 22 ओम। तो बहुत सिंपल था, इसी के साथ ये मतलब मेन डेरिवेशन भी कह लीजिए, फॉर्मूला भी कह लीजिए। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल में रहे, जैसे कि एक पॉइंट में दो पॉइंट के बीच में हम रख देते हैं, जैसे एक रेसिस्टेंस एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीन रेसिस्टेंस पैरेलल पर इस तरीके से होते हैं, तो ये कनेक्ट, ये कनेक्ट कर दिया अपन ने, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ऐसे करके अब तीनों रेसिस्टेंस कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे, तो अब इसके बाद यहाँ पे हम वो सेल जुड़ गया आपका और यहाँ आपका की जुड़ गया, तो जैसे मैं यहाँ पे करंट फ्लो करूँगा I, तो यहाँ पे जो I है वो चेंज हो जाएगा, I1 वन यहाँ चला जाएगा, I2 टू यहाँ चला जाएगा और I3 यहाँ चला गया, इसको मैंने R1, इसको R2 और इसको R3 मान लिया। ध्यान रखिए कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता, वो जो है वो ही रहता है, बस ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, मान लो कि टोटल सर्किट का करंट I है, आई फ्लो रहा है, तो क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, बस अब हम ओम्स भैया तो जानते ही, हम ओम भैया क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R इक्वल्स टू I, तो I I1 क्या हो जाएगा आपका V अपॉन में R1, I2 क्या होगा V अपॉन में R2 और I3 क्या हो जाएगा V अपॉन में R3, जैसे कि ओम्स के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I की जो I की वैल्यू V अपॉन में R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो 1/R1 1/R2 1/R3 V से V कैंसिल, तो आंसर इज क्या हो जाएगा अपना, फाइनल आंसर आएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह का आएगा। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो आपको इस तरह ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है। जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, आपसे कहा कि 6 और 4 ही है, ये दोनों ही आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट, 6 और 4, तो क्या करेंगे 1/R इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/4, तो जाएगा 6 4 24, 4 प्लस 6 10 अपॉन 24, 2 5 10 और 2 1 2, तो आपको जाएगा 5 अपॉन में 12, ना 5 अपॉन 12 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आया 1/R इक्वल्स टू 5 अपॉन 12, तो हमें R की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए R की, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो R इक्वल्स हो जाएगा 12 अपॉन 5, 5 2 10 और बच्चे डेसिमल रख देंगे तो 5 4 20, 2.4 ओम, तो ये आपका आंसर आएगा। तो मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू क्या होगा कि आप ये रेसिस्टेंस के जो सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों लगाया जाता है, क्यों होता है, इसका कुछ पता होना चाहिए ना। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, कभी भी जब हमें रेसिस्टेंस की टोटल वैल्यू को बढ़ाना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें टोटल वैल्यू को घटाना है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे। वो कैसे, 6 और 4, एक 6 वैल्यू थी ओम की और एक की 4 वैल्यू थी, तो मैंने जब दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तो वैल्यू कितनी, 2.4 ओम आई, कम होगी वैल्यू, और जब मैंने उनको सीरीज में लगाऊंगा तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी वैल्यू। तो कभी भी जब आपसे कहा जाए कि रेसिस्टेंस की वैल्यू किसी भी सर्किट में कैसे बढ़ाई जाए तो उसको सीरीज में जोड़ दो, कैसे घटाई जाए टोटल उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये चीज होती है। तो बेसिकली आपका जो ओम्स लॉ जो पूरा था और रेसिस्टेंस से जो संबंध है, जितनी भी थ्योरी थी, अभी मैंने न्यूमेरिकल्स तो ये तो सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल देके बताया, क्या होता है क्वेश्चन कुछ अलग तरीके आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा, तो अभी तक ये वीडियो के लिए अभी यही काफ़ी है, तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें। कोई चीज़ कमी रह गई हो तो आप वो कर सकते हैं कमेंट में। और हाँ आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ वो जो बेल आइकन है ना थोड़ा घंटी टाइप का दिख रही है उसको भी दबा दीजिए, ताकि अभी जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आप देख सको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहे। देखा धीरे धीरे पढ़िएगा लेकिन अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।